इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। प्लस वन में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है। अगर मैं प्लस वन की बात करूं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। रेशियो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, थोड़े बहुत के लिए मत बोलना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ी है, छह टी रेशियो हमने पढ़ी थी, साइन कॉस टेन एंड सो ऑन। यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फंक्शन ये टॉपिक का नाम है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती थी, या थीटा जो काम करता था वो एंगल होता था। एंगल मेरा मतलब प्लस वन की जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते थे वो सारी की सारी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती थी। मेरा मतलब ये है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ये 90, ये थीटा, ये वही एंगल है जिसकी ये बात करता होता था। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज दिस एंगल। तो वहां सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री एंगल पे बेस्ड है, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री एंगल पे होती थी, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती थी। तो उसके अंदर एंगल चलते थे। अगर आपको याद हो, इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल थीटा 90, दिस विल बी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। चलो ये तो बात हमें पता है, टेंथ से हमने करी हुई है, तो टेंथ में भी हम राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करते थे। पर स्टार्ट करने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, छह टोटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास, सिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड नहीं होती, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड नहीं होती। मेरा मतलब पहले पहली बात है, साइन इनवर्स एक्स पढ़ना आप सबको अच्छी तरह आता है, रीड कैसे करते हो सुनने से ही पता चल जाता है। रीड है, पहला दिन है, थोड़ा स्लो रखूंगा, डाउट इसके बाद नहीं समझ आता एडजस्ट करना। रीड है साइन, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। इनवर्स होता है सबको पता है, एक्स व्हाट इज दिस एक्स, पहले तो स्टार्ट करने से पहले ये समझा दूं, ये एक्स क्या है, ये एंगल नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये राइट एंगल ट्रायंगल पे काम नहीं करते, ये अपने दिमाग से निकाल देना। वो ट्रिग्नोमेट्रिक था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे काम नहीं करेगा। एक बात काट दो, मैं तीन बार एक बात को बोल चुका हूं, ये फंक्शन है, फंक्शन ये एंगल नहीं है, ये फंक्शन है। फंक्शन नहीं समझ में आएगा, समझा रहा हूं। साइन इनवर्स 30 डिग्री का कोई मतलब नहीं होता, साइन इनवर्स लॉग एक्स का मतलब होता है। बट दिस लॉग एक्स इज फंक्शन का के फंक्शन, फंक्शन एंगल नहीं होता। साइन इनवर्स 75 डिग्री का कोई, पाई बाय टू का कोई मतलब नहीं है, रेडियन में कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कुछ होता, बिकॉज एंगल होता ही नहीं इनवर्स के अंदर। ये होते हैं साइन इनवर्स ई पावर एक्स होता है, बिकॉज ई पावर एक्स सारे जानते हो एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन। अगर आपको थोड़ा छोटा भी दिखता है तो मैं बार बार एक बात बोलता भी हूँ, आप लोगों को पता है आपको, तो उसमें आप एडजस्ट कर लोगे। तो कहता है ये क्या होगा, एक्सपोनेंट फंक्शन। मेरा मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री सुजेस्ट करता है, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन इनवर्स ऑफ 30 डिग्री सुजेस्ट नहीं करता। स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए मेरे को। ये एक्स जो भी हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 7th चैप्टर डिफरेंशिएशन, 8th चैप्टर एप्लीकेशन, 9th चैप्टर इंटीग्रेशन, 10th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, 11th डिफरेंशियल इक्वेशन तक काम चलेगा। आपको रिलेशन फंक्शन करना चाहिए। अगर ये वाला हमारी सेटिंग ठीक बैठ जाती है तो मैं रिलेशन फंक्शन भी यहाँ करा दूंगा। अब तो बोर्ड पे, बोर्ड पे ज्यादा कॉपी पे नहीं होता, बोर्ड पे हो जाएगा, बोर्ड पे कराने का मजा आएगा। तो देख लो एडजस्ट होता है। तो इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, तो कहता है ये जो एक्स है ये एंगल नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे काम नहीं करती। तो ये किस पे काम करती है, फंक्शन पे। तो अब तो मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी दूंगा, तो जिसको नहीं समझ आता दोबारा दोबारा भी सुन सकता है, तो मैं आगे चलाता हूँ। तो टोटल छह ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होते हैं, छह ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होते हैं, पर छह सिक्स
ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल नहीं होते, फंक्शन होते हैं फंक्शन। चलिए एनी हाउ सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास, हम अब उसकी बात करेंगे आपके साथ। तो छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखो हमने कौन कौन से करने में स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला है हमारे पास सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहला है साइन इनवर्स फंक्शन, दूसरा है कॉस इनवर्स फंक्शन। तो आप प्लस टू में हो तो मेरे को आप इस तरह से भी समझ सकते हो, कॉस इनवर्स फंक्शन लिख सकता हूँ बिल्कुल, टैन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ फंक्शन लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स थीटा नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि जनरली थीटा जो है वो एंगल को सजेस्ट करता है तो वो नहीं लिख सकता हूँ। फिर मैं लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, सीकेंट इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। ऑब्वियस ही बात है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, कॉसेकेंड इनवर्स एक्स है, होप आप इस बात को कैच कर गए होंगे। तो पहला हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, फंक्शन कोई भी हो सकता है, मेरा मतलब सेकेंड इनवर्स लॉग एक्स लिख सकता हूँ, कॉसेकेंड इनवर्स ई पावर एक्स लिख सकता हूँ, शायद समझ गए होंगे। तो हमने छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमने डील करना है, प्रिंसिपल वैल्यू है सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे उसकी हम बात करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज पहला रिजल्ट है, पहला रिजल्ट शुरू हो रहा है। तो बस मैंने नाम बताए हैं और आपको एक बेसिक बात बता दी, राइट एंगल ट्रायंगल पे काम नहीं करेगा, प्रिंसिपल वैल्यूज है सबसे पहला रिजल्ट है। प्रिंसिपल वैल्यू लिखा हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू बड़ा बड़ा लिख देता हूं, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वैल्यूज इस पे काम करें, पहला रिजल्ट है। कहता है कभी भी किसी का इनवर्स फंक्शन को एग्जिस्ट कराना है, मेरा मतलब किसी का इनवर्स निकालना है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज पहले चेक होती है। ये वो वैल्यू होती हैं किसके वाला एक्स की, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, x मतलब इनपुट, x मतलब डोमेन, मतलब x एक्सिस से, फ्रॉम y एक्सिस से नहीं, x एक्सिस से। प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब क्या है, वो कहना ये चाहता है, मान लो एक फंक्शन है log x, एक बार मैं रफली बताता हूं, मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले मैं उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज चेक करूंगा, कहते किसे वो आ रही है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज को मैं यूज किस लिए कर रहा हूं, क्यों मैं प्रिंसिपल वैल्यूज को लेके चल रहा हूं। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो पहले मुझे चेक करनी पड़ेगी किसकी वाला, किसका इनवर्स निकाल रहा हूं मैं, अगर देसी भाषा में लिखूं तो मुझे अगर इनवर्स निकालना है किसका वाला, लॉग एक्स का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेक या वी चेक, क्या हम चेक करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज, किसकी भला, प्रिंसिपल वैल्यूज ये रफ है, रफ नोट करने की जरूरत नहीं है, लॉग एक्स की, भाई लॉग एक्स की प्रिंसिपल होती क्या है, पहले वो मैं चेक करूंगा। अभी प्रिंसिपल बोलते कि इसको इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब मैंने इनवर्स निकालना है साइन एक्स का इनवर्स निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक क्या, प्रिंसिपल वैल्यूज किसकी भला, साइन एक्स की। मुझे e पावर x का इनवर्स निकालना है तो मैं पहले e पावर x की प्रिंसिपल वैल्यूज चेक करूंगा, ये मतलब होता है, बिना प्रिंसिपल वैल्यूज चेक करे मैं नहीं निकाल सकता क्या उसका इनवर्स। तो कहना क्या चाहता है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को करने के लिए सबसे पहले मैं उसकी क्या चेक करूंगा, प्रिंसिपल वैल्यूज। या फिर आपने रिलेशन और फंक्शन पढ़ा होता, जिन्होंने भी पढ़ा होगा या पढ़ोगे, तो इसका एक और होता है, या प्रिंसिपल वैल्यूज कह लो या फंक्शन की एक टाइप होती है 1-1 on 2, कि अगर फंक्शन 1-1 on 2 हो, आपको ये क्या होता है 1-1 on 2, तो रिलेशन एंड फंक्शन जब पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे तो ये बात ध्यान रखना, अगर फंक्शन 1-1 on 2 होगा, दूसरी डेफिनेशन लिखवा दूंगा तो आप फंक्शन में पढ़ सकते हो, तो तब भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज चेक करते हो, दोनों में से कोई एक बात, दोनों बातें लिखवा रहा हूं सुन लो, ये दो वैल्यूज होती है एक्स की, फॉर विच, जिसके लिए जो फंक्शन होगा, फॉर विच जो फंक्शन होगा,
इंक्लूड करेगा होल रेंज को, रेंज को, रेंज याद करो, फॉर विच। सबसे पहली बात, जो फंक्शन होगा जिसकी बात ही कर रहे हैं, इंक्लूड्स करेगा, इंक्लूड करेगा होल रेंज को। समझ में नहीं आया बताऊंगा। जब पूरे की पूरी रेंज को इंक्लूड करेगा, मतलब दोस वैल्यूज ऑफ एक्स, प्रिंसिपल्स वो वैल्यू होती है एक्स की, जिसके लिए, जिस एक्स की वैल्यू के लिए, फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन का मतलब जिसका इनवर्स निकालना चाहते हो। मान लो आप साइन एक्स का इनवर्स निकालना चाहते हो, तो साइन एक्स इंक्लूड करेगा होल रेंज को। फिर अगर लॉग एक्स का निकालना चाहते हो, तो लॉग एक्स इंक्लूड करेगा होल रेंज को। ई पावर एक्स, इसलिए मैंने जनरल बात की, फंक्शन इंक्लूड्स होल रेंज, जो फंक्शन क्या इंक्लूड करेगा, होल रेंज को। और दूसरी बात, नो वैल्यू इज रिपीटेड, नो वैल्यू ऑफ वाई, वाई की कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। नो वैल्यू ऑफ वाई इज, एक्स की नहीं, वाई की, इज रिपीटेड। क्या मतलब बता, जो एक बार वैल्यू आ गई वो दोबारा नहीं आएगी। ये प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन है, कैसे वो मैं वहां समझा रहा हूं। पहले मैं दूसरी डेफिनेशन बता दूं, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर किसी का इनवर्स निकालना है तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, वो वैल्यू ऑफ एक्स की, फॉर विच, जिसके लिए, फंक्शन इंक्लूड्स होल रेंज, जैसे अभी समझाऊंगा, अभी तो फिलहाल डेफिनेशन लिखवानी है। और नो वैल्यू ऑफ वाई इज रिपीटेड। और जिन बच्चों ने अगर रिलेशन फंक्शन कर लिया है या कर लेंगे, जब भी करोगे तो आप ये भी कह सकते हो, इसमें दूसरी डेफिनेशन भी काम करती है। वो दूसरी डेफिनेशन क्या होती है वो बता, कहता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये वही बात हो रही है जो यहां फंक्शन की बात हो रही है, किसी भी फंक्शन का, ऑफ अ फंक्शन, वो एग्जिस्ट तभी करता है ओनली इफ, जब फंक्शन क्या होगा, यहां पे क्या बोला गया है, फंक्शन इंक्लूड्स होल रेंज, तो उसकी जगह यहां पे क्या रखता है, फंक्शन इज ऑन टू होना चाहिए। अब ऑन टू क्या है वो कह रहे हो, आप पढ़ा नहीं हुआ तो जब पढ़ोगे तो मेरी ये डेफिनेशन भी लगा सकते हो, और है, दोनों में से कोई है। अभी आप ये समझ लो, जिसको आसान ये लगती है समझ लो, जिसने वो काम किया हुआ वो भी समझ सकता है। कहता है इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट तभी करेगा, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट तभी करेगा ओनली फंक्शन इज ऑन टू हो जाएगा एंड वन वन हो जाएगा। ये क्या है वन वन एंड ऑन टू, ये टाइप है फंक्शन। ऑन टू का मतलब होता है उसकी पूरी रेंज इंक्लूड हो जाए, और वन वन का मतलब जब आप पढ़ोगे इसका मतलब होता है कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती। अब ऑन टू किसको बोलते हैं, नहीं पता जिसको, तो मैंने इसको देसी भाषा में समझा दिया, ऑन टू नहीं पता, अभी आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी, जिन बच्चों ने नहीं याद है, पढ़ के भी याद नहीं होती कईयों को, तो वो ये सोचे जो इंक्लूड करेगा होल रेंज को उसका मतलब ऑन टू होता है फंक्शन में। ऑन टू फंक्शन की कैटेगरी होती है, ऑन टू फंक्शन की कैटेगरी होती है। तो कहता है क्या कैटेगरी होती है फंक्शन की, वो कहता है जो इंक्लूड करेगा होल रेंज को। ये सब कैसे, वो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अभी दे रहा हूं इसके बाद एग्जांपल। तो इंक्लूड क्या करेगा होल रेंज को, और ये क्या होगा, कोई वैल्यू भी क्या नहीं होगी, नो वैल्यूज रिपीटेड, जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा। नो वैल्यूज रिपीटेड को फंक्शन की भाषा में बोलते हैं वन वन, वन वन होना चाहिए कभी सुना हो। और फंक्शन इंक्लूड होल रेंज को हम बोलते हैं ऑन टू, जब आप पढ़ोगे रिलेशन फंक्शन तो आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, दोनों में से कैसे भी पढ़ लेना, दोनों में से कैसे भी पढ़ लेना वो आपकी मर्जी है, दोनों में से कैसे भी पढ़ लेना वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, समझ रहे हो। चलो अब मैं आपको ये करा रहा हूं, अगला बात बता रहा हूं, देखो जरा। तो प्रिंसिपल वैल्यूज आर दोज वैल्यू जिसके लिए होल रेंज इंक्लूड होती है और कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती, या ये कह सकते हो प्रिंसिपल वो वैल्यू होती है जहां फंक्शन क्या होता है, वन वन भी होता है एंड ऑन टू भी होता है। अब सर ये बात तो चलो हम जब पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन तब समझ जाएंगे, या जब हम याद करेंगे फाइनल पेपर तक हमें याद करना पड़ेगा तो हम कैच कर लेंगे। इसका मतलब तो समझा दो, अब पहले इसका मतलब समझ लो फिर मैं रिजल्ट शुरू करूँ। तो कहता है क्या, मैं इसको रब कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट तभी करता है जब फंक्शन क्या होगा ऑन टू, ऑन टू मतलब
कोई रेंज इंक्लूड होगी। इसका क्या मतलब बता रहा हूँ, जब आप लोग प्लस वन में थे तब भी मैंने कहा था मिनिमम दो ग्राफ याद होने चाहिए आपको, साइन को कॉस, नहीं तो हर टीचर को दिक्कत आएगी अगले साल। तो वही दिक्कत इस साल भी रहेगी अगर आपको दो ग्राफ नहीं याद है। तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वाई इक्वल टू साइन एक्स का, वाई इक्वल टू साइन एक्स का, और इन दोनों का मतलब समझा रहा हूँ। तो मैंने वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया है। अगर आपको सारे ग्राफ आते हैं कॉस टैन कॉट सेकेंड को जनरली आते होंगे सभी को, तो वो आप फिर उसमें कैच कर जाओगे, किसी के भी आप देख सकते हो, मतलब किसी कोई भी ग्राफ से आप समझ सकते हो। फिर भी मैं दो ग्राफ से आपको एक बात समझा रहा हूँ, प्रिंसिपल बोलते किसको है माइनस पाई बाय टू माइनस पाई, जो मेरे को जहाँ तक आइडिया है सबको पता ही होगा इसका ग्राफ ऐसे चलता है और जहाँ तक मर्जी जाता है। तो ये साइनस का मेरा ग्राफ है, चलो ये साइनस का मेरा ग्राफ है, कहाँ से कहाँ तक है, कहीं तक भी, x की कौन कौन सी वैल्यू जा रही है, x की वैल्यू x एक्सिस से इन्फिनिटी तक जा रही है, पीछे कहाँ तक जाएगी माइनस इन्फिनिटी तक, कहीं भी घुमा दो, रेंज माइनस वन से वन, रेंज क्या इसकी माइनस वन से वन। अच्छा, मैंने साइन एक्स का ग्राफ क्यों बनाया, लॉग एक्स का नहीं बनाया, ई पार एक्स का, क्योंकि हम अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है तो मैं साइन एक्स फंक्शन ले रहा हूँ तो उसी का तो इनवर्स चेक करूंगा कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, लॉग एक्स ई पार एक्स का भी नहीं दे रहे। तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करो, चलो ये आ गया। तो कहता है इसमें प्रिंसिपल वैल्यूज कौन सी होंगी, इसमें प्रिंसिपल वैल्यूज कौन सी होंगी ये देखना है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज कौन सी होंगी, वो वैल्यू जो पूरी की पूरी रेंज को इंक्लूड करे, क्या मतलब, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, यहां पे देख रहे हो सारे एक्स जो पूरी की पूरी रेंज को इंक्लूड करे। अब मैं वहां पे बना रहा हूं, सारे उधर देखो, आज अब सारे देखो। तो मैंने क्या किया, पहला ग्राफ बनाया वाई इक्वल टू साइन एक्स, मैंने बनाया जीरो से पाई के बीच में, ये तो मैंने जनरली पूरा ग्राफ आपको बताया जो हम प्लस वन में बनाते हैं। क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ, दो मिनट आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको सब समझ आ जाएगा, दो मिनट रहो। तो जीरो से पाई में बनाऊंगा तो आप सारे मेरे ख्याल से बना पाओगे जीरो से पाई में, शायद किसी को दिक्कत ना आ रहे, जीरो पाई बाय टू पाई। अगर आपने कहीं पहले भी सुनी होगी स्कूलों में या कहीं एक्स वाई जेड प्रिंसिपल वैल्यूज, तो तब भी आप समझो जीरो से पाई तक का ग्राफ ये बन रहा है, देखो ये बन रहा है जीरो से पाई तक। तो जीरो से पाई तक का ग्राफ ये बनेगा, अगर आप सोचो तो ये यहां से जाएगा और यहां पे आ जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप सोचो अपने दिमाग से, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यूज कहलाएगी, कौन वाला जीरो से पाई, जीरो से पाई क्यों बता सकते हो, एक्स की वैल्यू, एक्स कहां से कहां तक लिया जीरो से पाई, आपकी इजीनेस के लिए बोल देता हूं लो एक्स बिलोंग टू जीरो से पाई, लो मैंने ये ले लिया एक्स भी लिख दिया, ये एक्स यही वाला एक्स है। अब मैं जीरो से पाई अगर इंटरवल लेता हूं, सोचना अपने दिमाग से, जीरो से पाई तक मैं इंटरवल लेता हूं और मैं अपने प्रिंसिपल वैल्यूज को चेक करने की कोशिश करता हूं, दोस वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू विच फॉर विच फंक्शन इंक्लूड होल रेंज, पूरी की पूरी रेंज इंक्लूड होनी चाहिए, रेंज पता है किसकी, साइन एक्स की रेंज, रेंज साइन एक्स की पता है कहां से कहां तक, माइनस वन से वन तक, मैक्सिमम वन तक, फिर माइनस वन तक, फिर वन तक, माइनस वन तक। तो क्या ये पूरी रेंज इंक्लूड कर रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है वन तक जा रहा है फिर वापस जीरो पे आ रहा है, क्या ये माइनस वन तक जा रहा है, नहीं जा रहा, क्या ये होल रेंज इंक्लूड करेगा, नहीं करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज थोड़ा स्लो रखेंगे हाथ को, कल पता ही आपको कैसे चलते हैं हम लोग। तो कहता है क्या ये पूरी पूरी रेंज इंक्लूड करेगा, नहीं करेगा, करके क्यों नहीं करेगा, कौन भला साइन एक्स, किस इंटरवल में, जीरो से पाई में, क्या पूरी पूरी रेंज इंक्लूड करेगा, नहीं, जीरो से लेके वन तक जाएगा वापिस आ जाएगा, माइनस वन में नहीं जा रहा, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं है, नहीं है, खत्म। तो जीरो से पाई तक इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं है, नहीं है प्रिंसिपल वैल्यूज। तो प्रिंसिपल वैल्यूज कौन सी वैल्यू होती थी, जिसमें होल रेंज इंक्लूड होगी, होल रेंज का मतलब वन तक जाऊंगा फिर कहां तक जाऊंगा, माइनस वन तक। तो ये पूरी पूरी रेंज ही ले रहा, जीरो से वन तक जा रहा हूं, जा रहा हूं, वन से माइनस वन तक जा रहा हूं, नहीं, तो पूरी रेंज ही आ रही इसके अंदर। दूसरा ग्राफ बना रहा हूं एक और इसी के लिए, वाई इक्वल टू साइन एक्स है, मैंने एक्स बिलोंग्स टू 0.3 पाई बाय 2 ले लिया, चलो सोचो ये मैंने एक्स की वैल्यू ये ले ली 0 से लेके 3 पाई बाय 2 तक, ग्राफ बना लोगे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2। तो ग्राफ बना लेंगे, ये देखो ये रहा मेरे पास 0, ये रहा मेरे पास पाई बाय 2, ये रहा पाई, ये रहा 3 पाई बाय 2, कहां तक जा रहा हूं 1 तक,
तो ग्राफ जाऊंगा 1 तक, फिर पाई बाय 2, पाई तक, फिर 3 पाई बाय 2 माइनस 1 तक। चलिए तो मैं क्या देख पा रहा हूं, समझ रहे हो? अब मैं क्या चेक कर रहा हूं इसमें, प्रिंसिपल वैल्यूज। इनवर्स किसी का कब होता है? दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए फंक्शन इंक्लूड्स होल रेंज। तो मेरी बात सुनना, क्या पूरी रेंज इंक्लूड हो रही है? सबसे पहली बात, होल रेंज इंक्लूड हो रही है। सोचना, सोचो, क्या 1 से माइनस 1 तक ग्राफ मैंने जो बनाया जा रहा है, देखो 0 से 1 तक, क्या 1 से देखो नीचे आ गया, क्या हो गया? नीचे आ गया, देखो 1 से लेके नीचे आ गया, कितना आ गया? माइनस 1 तक जा रहा है। तो होल रेंज इंक्लूड हो रही है इसके अंदर, पूरी की पूरी रेंज आ रही है। देखो 0 से 1, फिर 1 से क्या चला गया, माइनस 1, तो 1 से लेके माइनस 1 तक पूरी रेंज आ रही है। पर सिर्फ एक कंडीशन नहीं है इसके अंदर, दो कंडीशन है। क्या दो कंडीशन है? फंक्शन इंक्लूड होल रेंज एंड, मतलब ऑन टू तो हुआ, एंड एंड नो वैल्यू ऑफ y इज रिपीटेड। y की कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। सर समझ नहीं आया y की वैल्यू रिपीट का? ये समझ में आ गया कि रेंज, चलो रेंज तो मुझे पता थी, ये 0 से 1 तक गई इसे तो गलत है, ये 1 से माइनस 1 तक गई ये तो ठीक है। अब कहता है दूसरी बात, वैल्यू ऑफ y रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है देखनी है, वैल्यू ऑफ y इज रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है देखनी है। चलो चेक कर लेते हैं। चल भी कुशांक तू ही बता जरा मन में अपने, यहाँ पे नहीं भी बोलना, चल का के तू बता जरा, 30 डिग्री पे साइन एक्स की वैल्यू बोल सकता है? मतलब जब मैं एक्स को 30 पुट कराऊंगा वाई की वैल्यू बोलेगा? यहाँ कर दूं थोड़ा सा रफ में, देखो जरा एक्स को क्या दे रहा हूँ के 30 डिग्री, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी इसमें पुट करा रहा हूँ, वाई इक्वल टू साइन ऑफ 30, 30 में कितना हो गया 1/2, 30 डिग्री यहाँ से मैंने वैल्यू ली। एक अक्के में लेना चाहता हूँ 150 डिग्री वैल्यू, तो एक्स को मैंने क्या पुट कराया 150 डिग्री वैल्यू, y इक्वल टू साइन ऑफ 150। शायद आप सबको पता हो 150 की वैल्यू कैसे निकालते हो, 180 माइनस 30 पॉइंट सेकंड आफ्टर स्कूल साइन पॉजिटिव, 180 पे साइन साइन, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ओ कके यस, कितनी वैल्यू आ गई सोचो जरा, कितनी वैल्यू आ गई बताओ, कितनी वैल्यू आ गई है बताओ? 30 पुट कराया तो भी कितनी आई 1/2, 150 करा रहा हूं तो भी कितनी आ रही है कके 1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि y की वैल्यू इस पे भी 1/2 आ रही है, सोचो y की वैल्यू इस पे भी 1/2 आ रही है, समझ रहे हो? y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, दोनों जगह 1/2 आई, इधर भी 1/2 इसमें भी 1/2। इसका मतलब क्या हुआ सोचो, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू रिपीट होनी शुरू होगी। वैल्यू क्या होगी है, रिपीट होनी शुरू होगी। किसकी वैल्यू रिपीट हो रही है गा के बताओ, किसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, किसकी वैल्यू रिपीट हो रही है बताओ? वाई। तो वैल्यू रिपीट होने से मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू रिपीट होगी तो उसका क्या मतलब हुआ बताओ, जो एक बार आ गई वैल्यू वो दोबारा आ रही है उसका क्या मतलब हो रहा है आपके पास? जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसका क्या मतलब हो रहा है, दोबारा भी आ रही है। तो एक्स को जब मैंने 30 डिग्री पुट कराया है, ये देखो एक्स को 30 डिग्री, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 1/2, x को मैंने क्या पुट कराया 150 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 1/2, समझ रहे हो इसका मतलब? तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी शुरू होगी 1/2 1/2, y की वैल्यू रिपीट होगी, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ y रिपीट होनी शुरू होगी। तो इसका मतलब ये भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं होगी। प्रिंसिपल वैल्यूज किनको बोलोगे? प्रिंसिपल वैल्यूज वो वैल्यू होती है किसकी वाला, दोस वैल्यूज ऑफ x, x की वो वैल्यू, जैसे 0 से पाई ली मैंने, इसमें पूरी रेंज नहीं आई, रेंज क्या थी, रेंज क्या थी 1 से लेके माइनस 1 तक, पूरी रेंज नहीं आ रही 1 से लेके क्या नहीं आ रही माइनस 1 तक नहीं आ रही है, पूरी रेंज नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं है। कौन सी वाला, 0 से पाई। फिर दूसरी बात मैंने कही क्या, पूरे की पूरी रेंज इंक्लूड होनी चाहिए। तो यहाँ पे होल रेंज तो इंक्लूड थी, देखो 1 से लेके माइनस 1 तक तो जा रहा था, पर मैंने उसके साथ साथ एक और बात कह दी है, क्या जो वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू किसकी वाला, वाई की, वो रिपीट होनी चाहिए।
वैल्यू ऑफ वाई रिपीट का मतलब क्या हुआ सोचो कि आपके पास जैसी आपने क्या पुट कराया एक्स को 30 डिग्री और वाई को कितना वाई कितना है 1/2 फिर 150 पुट करा दिया फिर वाई कितना आ रहा है 1/2 तो 30 पे भी 1/2 150 पे भी 1/2 इसका मतलब वैल्यू क्या होनी शुरू होगी रिपीट होनी शुरू होगी 1/2 30 पे 1/2 और 150 पे भी क्या आएगा 1/2 ये क्या होनी शुरू होगी वैल्यू रिपीट होनी शुरू होगी इसका मतलब क्या हुआ ये वैल्यू रिपीट होनी शुरू होगी किसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इसकी क्या नहीं है प्रिंसिपल नहीं है अब बड़ी देसी भाषा में एक बात समझाता हूं अगर आप इस बात को कैच कर लो तो जब भी कोई भी ग्राफ ग्राफ की भाषा में टर्न करने का मतलब जैसे जा रहा है इधर आके कहते हैं मुड़ जाए टर्न कर गया ये एक टर्न कर गया तो इसका मतलब वैल्यू का रिपीट होना शुरू हो जाता है क्या मतलब जैसे मान लो आप घर से यहाँ पे आते हो मान लो कोचिंग सेंटर पे कहीं पे भी जा रहे हो या स्कूल जाते हो आप अपने घर से स्कूल गए और फिर वहां से टर्न होके वापस अपने घर पे जा रहे हो जब आप यहाँ से स्कूल जा रहे थे तो कुछ चीजें आपको लेफ्ट राइट में दिख रही थी कोई बिल्डिंग कोई शॉप कोई ग्राउंड ये सोचना आप जा अभी क्योंकि आप जाओगे तो नहीं इमेजिन तो कर सकते हो यहाँ से आप जाओ तो आपने स्कूल तक गए हो तो साथ में कोई शॉप दिख रही है कोई आपको हॉस्पिटल दिख रहा है कोई ग्राउंड दिख रहा है कुछ भी आपको दिख रहा है मकान दिख रहे हैं और वहां से वापस आ जाओ तो वही चीजें दोबारा आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी सोचो मतलब आप जा रहे हो मेरे को अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ तो मुझे यहाँ से लेफ्ट मेरे बोर्ड दिख रहा है राइट में मेरे आप सब दिख रहे हैं फिर आगे चलता है तो चेयर दिख रहा है टेबल दिख रहा है अगर मैं वापस टर्न कर जाऊँ तो मुझे आप सारे दोबारा दिखाई दोगे वो बात अलग है कि जाते हुए जो चीज लेफ्ट में दिखाई दे रही थी मेरे को या जो बिल्डिंग आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही थी आते हुए आपको राइट में दिखाई देगी पर चीजें वही रिपीट हो रही है वही ग्राउंड वही बिल्डिंग वही हॉस्पिटल वही स्कूल वही सब कुछ आपके रिपीट हो रहा है जब आप कहीं पे जाते हो इसका मतलब क्या हुआ जब मैं एक सड़क से जा रहा हूँ तो मुझे कुछ चीजें लेफ्ट राइट में दिखाई दे रही है कुछ लेफ्ट में कुछ राइट में जब यू टर्न करके वापस आ जाऊं तो वही चीजें दिखाई देती हैं ये बात अलग है जो लेफ्ट में दिखाई दे रही थी मेरे को चीजें अब राइट में दिखाई देंगी और राइट में लेफ्ट में पर चीजें क्या होनी शुरू होगी रिपीट का मतलब क्या हुआ जो जाते हुए मैंने चीजें देखी जो बिल्डिंग हॉस्पिटल देखा आते हुए वही देख रहा हूं तो इसका मतलब कब रिपीट हुई अगर मैं यहां से चलता रहूं सीधा तो मैं सब चीजों को एक बार देखूंगा पर जैसे ही मैं यू टर्न मार दूंगा तो मेरे को वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएंगी वही चीजें क्या होंगी तो ग्राफ की भाषा भी यही है कि जब आप किसी भी ग्राफ में टर्न कर लो टर्न करने का मतलब क्या है ये चले ये क्या हो गया यहां से टर्न हो गया टर्न इसका मतलब वैल्यू रिपीट होनी शुरू होगी जैसे देख रहे हो 30 पे और 150 पे अगर मैं मॉड एक्स के ग्राफ की बात करता हूं आपको पता है कईयों को मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है वाई इक्वल टू मॉड एक्स मैं ऐसे चल रहा हूं अब मैंने टर्न कर लिया तो मेरी वैल्यू क्या होगी रिपीट ये टर्न हो गया तो वैल्यू क्या होगी रिपीट होनी शुरू होगी अगर किसी को आप में से बैठे हुए को ग्राफ लॉग एक्स का पता हो तो लॉग एक्स का ग्राफ ये होता है तो कहते हैं ये चलता रहता है टर्न नहीं करा चलता रहेगा तो वैल्यू रिपीट नहीं होगी नो वैल्यू रिपीट अगर आपको दिख रहा है तो अगर मैं बोलूं आपको क्या बोला मेरे पास अपरेंट पैराबोला है मैं यहां से आ रहा हूं फिर मैंने टर्न कर लिया दिस इज कॉल्ड टर्न करना टर्निंग पॉइंट टर्न करना तो इसका मतलब वैल्यू क्या होनी शुरू होगी रिपीट होनी शुरू हो जाती है तो ये मतलब है तो इस ग्राफ में मैंने टर्न किया है देखो रिपीट होगी ग्राफ में टर्न किया है रिपीट होगी पूरी रेंज तो इंक्लूड थी पर मेरी वैल्यू भी रिपीट होनी शुरू होगी देखो मेरी वैल्यू भी क्या होनी शुरू होगी रिपीट टर्न होगी जैसे दिखाया हुआ है देखो 30 पे और अब फिर हम कौन सी प्रिंसिपल लेंगे सर ना ये ले सकते हैं ना ये ले सकते हैं ना इसको ले सकते हैं इसमें कितने सारे टर्न है सर इसमें तो बहुत सारे टर्न है तो सर कौन सी ले लें ऐसे थोड़ा चलाएंगे तब मैं आपको बता रहा हूं तब हमें कौन सी प्रिंसिपल्स लेनी होती हैं वो वैल्यूज किसकी बोला एक्स की जिसमें कोई भी वैल्यू वाई की रिपीट नहीं होनी चाहिए और जिसको 1-1 बोलते हैं और दूसरी बात क्या होगी होल रेंज क्या होगी इंक्लूड होगी अब मैं तीसरा एक ग्राफ ले रहा हूं सोचना वाई इक्वल टू साइन एक्स का एक्स किससे बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 क्लोज में बिलोंग करेगा अब मैंने अगर इसका ग्राफ उठा लेता हूं सोचना ये रहा 0
ये रहा पाई बाय टू, ये रहा माइनस पाई बाय टू, ये रही वैल्यू वन, ये क्या रही माइनस वन। अगर इसका ग्राफ आता है जीरो पे जीरो, पाई बाय टू पे वन, और पीछे चलो तो क्या चलेगा, माइनस पाई बाय टू पे क्या चलेगा, माइनस वन। अब सोचना क्या बनेगी बात, सोचो क्या पहली बात चेक करो होल रेंज इंक्लूड है कि नहीं, ये सोचो होल रेंज इंक्लूड है कि नहीं, वो सोचो। माइनस वन से वन तक होल रेंज इंक्लूड है, इंक्लूड है, हाँ है। दूसरी बात, क्या कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, कोई टर्न हो रहा है, कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, नो वैल्यू इज रिपीटेड, कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि टर्न नहीं है, बिकॉज इस ग्राफ में कोई टर्न नहीं है, बिकॉज नो टर्न, कोई टर्न नहीं है, कोई टर्न नहीं है, बिकॉज कोई भी मोड नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये इसकी प्रिंसिपल जो भी हाँ होगी। इसीलिए स्कूलों में या कहीं पे भी ये सिखाई जाती है, आप सिर्फ रट लेते हो, देखा आपने माइनस पाइव पाइव लिखवा दिया, इसकी प्रिंसिपल ये होती है, तो आपने उसको रट लिया, पर असल में होती क्या है उसको इन ग्राफ से समझो कि वो वैल्यूज होती हैं एक्स की वो वैल्यू जिसमें कोई टर्न नहीं होना चाहिए, टर्न होने का मतलब वैल्यू रिपीट होना, और पूरी रेंज इंक्लूड होनी चाहिए, रेंज इंक्लूड नहीं थी, रेंज इंक्लूड थी पर ग्राफ टर्न कर गया, टर्न मतलब रिपीट हो गया, रिपीट है तो ये नहीं होगा, तो इसमें ना इसने ग्राफ ने टर्न किया, देखो माइनस वन से वन तक कोई रेंज इंक्लूड है, माइनस वन से वन तक कोई रेंज इंक्लूड है। दूसरी बात, जो एक बार वैल्यू आ गई दोबारा नहीं आई, क्यों, 30 डिग्री पे कितना होता है सोचो, 1/2, सबको पता है, माइनस 30 डिग्री पे सोचो माइनस 1/2, कहाँ वाई की वैल्यू रिपीट हो रही है, वाई की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, सोचो तो ये इसकी क्या बनेगी, सोचो प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रिंसिपल वो वाली वैल्यू चुनते हैं जो ग्राफ टर्न ना करे, वैल्यू रिपीट ना करे, 1/1, और पूरी रेंज इंक्लूड हो, ऑन टू। तो सर एक डाउट है, पूछो क्या डाउट है, सर अगर हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, सर दोबारा बना दो बोर्ड पे, बना रहा हूँ, सुनो जरा बच्चे का डाउट सुनो क्या कहना चाहता है, तो मैं उसको रब करना चाहता हूँ, यहाँ साइन एक्स का ग्राफ दोबारा बनाना चाहता हूँ, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। चलिए तो क्या बनाना चाहता हूँ वो देखो, ये रहा जीरो, ये रहा पाई बाय टू, ये रहा पाई, ये रहा थ्री पाई बाय टू, टू पाई, और कितना ग्राफ बनाओ, जितना कहोगे उतना बना दूंगा, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, सॉरी माइनस पाई। चलिए कहते दोबारा बना दो, सक्षम बना रहे हैं, कह के देख जरा, दोबारा पूछ रहे, दोबारा बना रहे हैं, ये रहा तुम्हारे पास, और ये आएगा ये। अब ये मुझे क्या कह रहा है सुनो जरा, बच्चा क्या कह रहा है उसकी बात को सुनो, सर आपने मुझे बताया कि प्रिंसिपल वो वैल्यू होती हैं जिसमें पूरी रेंज इंक्लूड हो, कोई वैल्यू रिपीट ना हो, ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आती है। आपने बोला सर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, मैंने वहां पे हाईलाइट कर दिया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये इसमें सर क्या है, सर पूरी रेंज इंक्लूड है और कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, मतलब माइनस वन से वन तक भी जा रहा हूँ, कोई टर्न नहीं कर रहा, ठीक है सर, मुझे समझ में आ गई कि एक्स बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, बात समझ में आ गई। पर सर मेरा डाउट है क्या, मैं पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू भी तो ले सकता था, ले सकते थे सर, क्या इसकी प्रिंसिपल नहीं है, हाँ है, कौन कह रहा नहीं है, मैंने कहा एक बच्चा अगर मुझसे पूछता है कि मैं पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू ले लूं तब भी तो मेरी पूरी रेंज इंक्लूड हो रही है, जो सर साइड पे ग्राफ बना के दिखा दो, ले देख लो भाई। एक बच्चे का डाउट क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है सर ये रहा जीरो, ये रहा पाई बाय टू, ये रहा पाई, ये रहा थ्री पाई बाय टू, ये रहा टू पाई, वो कह रहा है मेरे को पाई बाय टू से थ्री पाई टू तक का ग्राफ बना दो, पाई थ्री पाई बाय टू, सॉरी थ्री पाई बाय टू, चलो ये टू पाई तो अभी है, कहता ग्राफ बना दो, बना देते हैं वन माइनस वन, तो मेरे पास किससे बनाना है, पाई बाय टू से, कितने तक बनाना है, चलो पाई बाय टू से कहां तक बनाना है, थ्री पाई बाय टू तक बना देता हूँ, जीरो पे नहीं बनाना, नहीं पाई बाय टू पे कितना होता है वन, पाई पे जीरो, थ्री पाई बाय टू पे माइनस वन, तो मैं कहता हूँ ये रहा ग्राफ बना देता हूँ। सर आप मेरे को दो बातें बताओ, क्या इसमें पूरी रेंज इंक्लूड है, होल रेंज इंक्लूड है, हाँ है, ताकि हाँ है सर, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, नो टर्न, कोई वैल्यू तो नहीं रिपीट हो रही, नहीं हो रही, तो क्या सर इसकी ये प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं हो सकती, सर कौन सी वाला, एक्स बिलोंग टू
पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू नहीं हो सकती सर? बिल्कुल हो सकती है। तो दो दो, बिल्कुल दो दो। कौन सी दो दो है? एक है जीरो, एक कितनी है? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक है, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक, जहां पूरी रेंज इंक्लूड करते हैं, कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। क्या और भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या मतलब सर, पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू भी है? हाँ है सर। फिर तो और भी होंगी? बिल्कुल होंगी सर। थ्री पाई बाय टू से फाइव पाई, सॉरी थ्री पाई बाय टू से लेके फाइव पाई बाय टू भी होगी? हाँ होगी सर। पीछे भी तो होंगी? बिल्कुल है। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि पीछे भी चलेंगी, हाँ कितनी भला पीछे चलेंगी सोचना, माइनस पाई बाय टू से लेके माइनस, ये पाई है और माइनस थ्री पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से लेके माइनस थ्री पाई बाय टू तक सर ये भी होगी? बिल्कुल होगी। फिर ये क्या, ये भी होगी एक, ये होगी दूसरी, ये होगी तीसरी, ऐसी तो अनगिनत होगी? हाँ होगी। तो क्या इसकी अनगिनत होती है? पर हमने तो एक ही पढ़ रखी है, तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। उससे पहले मैं दोबारा बताऊं प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होंगी। कहता है वो वैल्यूज होंगी किसकी भला, एक्स की, जिसके लिए कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा। माइनस पाई टू प्रिंसिपल वैल्यूज है। और भी कोई है? हाँ है। कौन सी? पाई बाय टू से लेकर थ्री बाय टू तक भी प्रिंसिपल वैल्यूज है, थ्री पाई बाय टू से फाइव बाय टू प्रिंसिपल वैल्यूज है। पर सुन लो मेरी बात, ये सारी प्रिंसिपल वैल्यूज है, पर जो ये होती है ओरिजिन के आसपास, इसको बोलते हैं मेन मेन प्रिंसिपल ब्रांच। ये क्या होती है? मेन प्रिंसिपल ब्रांच। और जो बाकी के होते हैं, ये वाली पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू, ये वाली पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू, और कौन सी? थ्री पाई बाय टू से फाइव पाई बाय टू, ये होती है अदर ब्रांचेस। एक मुखिया बना दिया। किसको मुखिया बनाया है? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ओरिजिन के जो आसपास होती हैं उसको बना दिया मेन, जो मेन है, मेन मेन प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं इसको, और इसको अदर ब्रांचेस। 2014-15 में क्वेश्चन आया बोर्ड में, फाइंड करो अदर प्रिंसिपल वैल्यूज किसकी भला, फाइंड करनी है अदर प्रिंसिपल वैल्यूज, किसकी अदर प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है मुझे। कहता है कॉस एक्स की पूछी थी, वैसे कॉस इनवर्स एक्स की पूछी थी बोर्ड में, साइन की पूछ सकता था। तब आपको क्या जवाब देना था? एक नंबर में दो प्रिंसिपल पूछी थी, राइट टू अदर प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो मैं साइन इनवर्स एक्स की बोल रहा हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स की दो अदर ब्रांचेस कौन कौन सी है? पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू से फाइव पाई बाय टू। तो एक नंबर आपको मिल जाना था, कौन सा? पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू कोई डालता, थ्री पाई बाय टू से फाइव पाई बाय टू कोई डालता, माइनस थ्री पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू। तो ये क्या है? अदर। ओरिजिन के आसपास क्या होती है? मेन। आपने क्या रटी होती है जहां पढ़ते हो या बुक्स में लिखी होती है? मेन। अगर पेपर में अदर ब्रांचेस आ गई तो ये क्यों? प्रिंसिपल जो आपके पास वैल्यू होती है उसकी डेफिनेशन को सुनो। वो वैल्यू होती है जिसमें पूरी रेंज इंक्लूड होनी चाहिए और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। माइनस पाई बाय टू मेन ब्रांच, पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू ये रहा ग्राफ, पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू का, ये क्या है? अदर ब्रांचेस। और थ्री पाई बाय टू से फाइव पाई बाय टू अदर ब्रांचेस, माइनस थ्री पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू अदर ब्रांचेस। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यूज। समझ रहे हो? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू मेन, बाकी अदर। हमारे पास प्लस टू के सीबीएसई के अंदर एनसीईआरटी में सारा काम मेन प्रिंसिपल ब्रांच में कराया गया है, अदर ब्रांचेस में नहीं कराया गया। इसीलिए हमारे जो भी बुक्स आप पढ़ते हो या जहां कहीं भी पढ़ते हो, मेन ब्रांच की बात की जाती है, पर दीज आर आल्सो अदर प्रिंसिपल ब्रांच, अदर होती है, इनको बोलते हैं अदर ब्रांचेस। ये क्या हो गया? मेन। मेन क्या होता है? ओरिजिन के आसपास। जैसे कॉस एक्स का मान लो, मान लो एक ग्राफ बना रहा हूँ कॉस एक्स का, सुनो जरा, देखो वो नहीं इंक्लूड, कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। दो बातें हम देखते हैं। अब मैं कॉस एक्स का आपसे बना के पूछता हूँ, अब आप बताओ इसमें मेन ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यूज, पहले बताओ मेन प्रिंसिपल वैल्यूज कौन सी हैं, फिर मैं दूसरी पूछता हूँ वाई इक्वल टू क्या आ गया कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का मेरे पास ग्राफ है, ये इस तरह चलता है, जीरो है, पाई बाय टू है, पाई है, थ्री पाई बाय टू है, टू पाई है, टू पाई तक बहुत है, जहां तक मर्जी बना लो, माइनस पाई बाय टू है, माइनस पाई है, चलिए जीरो पे वन होता है, जिसको पता हो कॉस एक्स का ग्राफ बन रहा है। ये मैंने पहले पूरे वाला बना दिया, जितना बड़ा मर्जी बना लो। अब मान लो मैं इसमें से, आप पहले खुद सोच लो क्या इसकी मेन ब्रांच, इसकी मेन ब्रांच पहले खुद सोच लो, नहीं तो मैं एक पार्ट उठा के दिखाता हूँ, वैसे आपको पता चलना लग गया होगा। तो कहते हैं इसकी प्रिंसिपल कौन सी होती है वो देखनी है, तो
सबसे पहला हिस्सा उठाया मैंने, क्या वाला y इक्वल टू cos x का, कहां से कहां तक उठा लिया y इक्वल टू cos x का, ऑन पहले मैंने उठा लिया x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 उठाया, जो मैंने साइन के लिए उठाया था। चलो बनाओ जरा ग्राफ, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का ग्राफ बना लो। किसका बनाना है? cos x का, माइनस पाई बाय 2 जीरो पाई बाय 2, तो कहते हैं ये ग्राफ बना लो। ये बना, अब दो बातें सोचो, क्या इसकी होल रेंज इंक्लूड होगी? सोचना, होल रेंज cos x की रेंज पता है माइनस वन टू वन, क्या इंक्लूड है? सोचो कहां तक गए हो? वन तक। क्या नीचे गए हो माइनस वन तक? क्या माइनस वन तक जा रहे हो? नहीं जा रहे। दूसरी बात, वैसे तो ये टर्न भी कर गया, देखो ये क्या कर गया, टर्न कर गया। टर्न का मतलब वैल्यू क्या होगी? रिपीट होगी, समझ रहे हो? तो ये भी इसकी मेन ब्रांच नहीं है, cos x और sin की इस मेन ब्रांच सेम नहीं होती, तो इसकी मेन ब्रांच नहीं है, मतलब ये मेन प्रिंसिपल ब्रांच नहीं है इसकी। तो कौन सी होगी इस ग्राफ में, सोचो जरा। तो मैंने दूसरा पार्ट उठाया, ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ठीक कह रहे हो तुम लोग, x belongs to 0 से पाई, ठीक कह रहे हो। कहता सर 0 से पाई उठा लो, ये रहा 0, ये रहा पाई बाय 2, ये रहा पाई, उठाओ 0 से पाई का ग्राफ। सर ऐसे जाएगा, ये 1 है नीचे माइनस 1 है, सर ऐसे जाएगा, जाएगा। सर इसमें देखो दोनों बातें आ गई, बिल्कुल आ गई। सबसे पहली बात, होल रेंज आ गई है, आ गई है। रेंज क्या है? माइनस वन से वन तक आ गई है। क्या आ गई है? माइनस वन से वन तक जा रहा है, जा रहा है। देखो वन से चल रहा है, कहां तक जा रहा है? देखो माइनस वन तक। दूसरी बात, कोई टर्न नहीं है, नो टर्न, मैंने बोल दिया अपनी भाषा में। नो टर्न का मतलब क्या हुआ? नो वैल्यू रिपीट, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, नो वैल्यू इज रिपीटेड, मतलब जो एक बार आएगी दोबारा नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या है प्रिंसिपल ब्रांच है? हाँ, ओरिजिन के आसपास है। हाँ, क्या और ब्रांचेस हो सकती है? हाँ, तो एक मैंने क्या डाल दी? जीरो से पाई। अगली सोच लो कि कौन सी होगी, सोचो, समझो जरा। अगली वाली मेन ब्रांच बोलो क्या होगी? अगली अदर ब्रांचेस, ये क्या होगी? मेन, मेन ओरिजिन के आसपास। तो मेन प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी? है जीरो से पाई। अगली पाई से लेके टू पाई, टू पाई से लेके आगे चलना तो चल लो, कितना चलोगे? थ्री पाई का, ये अदर ब्रांचेस है। These are called other branches. कौन सी? पाई से लेके टू पाई, एटसेट्रा। ये इधर वाला भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन सा वाला? माइनस पाई से जीरो। ये भी क्या अदर ब्रांचेस? सर ये भी तो ओरिजिन के पास है, ये अदर ब्रांचेस है। सर ये भी तो ओरिजिन के पास है, ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव वाले को मेन बोला गया, जीरो से पाई पॉजिटिव वाले को मेन बोला गया, पॉजिटिव वाले को मेन बोला गया, ये नेगेटिव में है। तो ओरिजिन के आसपास वाली बात कही है, पर पॉजिटिव वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जीरो से पाई क्या हो गया? मेन ब्रांच। पाई से टू पाई अदर ब्रांचेस, नेगेटिव वाला अदर ब्रांचेस, पॉजिटिव वाले को प्रेफरेंस, इसीलिए इसको बोलते हैं। तो साइन एक्स की मैंने सिखा दी, कॉस एक्स की सिखा दी। ऐसे जिसका भी आपको ग्राफ आता है, अगर टेन एक्स का ग्राफ आता है तो टेन एक्स की बना देगा, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, सोचना। सेकेंड का आता है सेकेंड का, कोसेकेंड कोसेकेंड का। तो मैं अब रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, मैंने दो समझा दिए हैं जिनको, जिसके भी ग्राफ आते हैं, ये तो एनसीईआरटी बुक में दिया, एलिमेंट्स की बुक में दिया, वहां पे देखो सबके ग्राफ हैं, सारी बात कही गई है। तो मैंने cos की बात की गई, तो cos x का क्या होगा? मेन ब्रांच माइनस पाई से पाई टू, नहीं, कितना आएगा? जीरो से पाई। कौन सी वैल्यू? जिसमें पूरी रेंज इंक्लूड हो, और कोई वैल्यू क्या ना हो? रिपीट, रिपीट ना हो। तो अब सबसे पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट बन रहा है क्या वाला? इनकी मेन ब्रांचेस और इनकी डोमेन और अदर ब्रांचेस, सब बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इस टेबल को, ये पहला टेबल है आपके पास। चलिए तो मैं बना रहा हूँ इसको, इसमें से जो पूछना होगा तो बोल दीजिएगा। ये अदर ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांच ओरिजिन के पास होती है, ऑब्वियस है पॉजिटिव वाले को प्रेफरेंस देंगे, तो हम पॉजिटिव वाले के लिए चलेंगे। देखना जरा अगर समझ आता है तो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ करे हुए हैं तो फिर इनवर्स के भी ग्राफ आप कैच कर सकते हो। देखो जरा, फंक्शन है, दूसरा रिजल्ट है, सेकेंड रिजल्ट है, इनवर्स फंक्शन है। डोमेन है, उनकी डोमेन, उनकी डोमेन है, उनकी मेन प्रिंसिपल ब्रांच है, मेन प्रिंसिपल ब्रांच है, अदर ब्रांच है,
ग्राफ करने तो ग्राफ भी करवा देते हैं, अगर जो बच्चे ग्राफ को समझना चाहते हैं इनवर्स के ग्राफ कराने हैं तो ग्राफ करा लीजिए, इसके ग्राफ के इनवर्स। तो सबसे पहला इनवर्स फंक्शन, फिर इसकी डोमेन, इसकी तो जरूरत नहीं है खैर ग्राफ की, आपको करने तो आप करा रहे हैं अलग ब्रांचेज ही। तो सबसे पहला आएगा साइन इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन एक्स क्या है फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन है पहला क्या आएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स है। अब इसकी डोमेन निकालिए, डोमेन जो साइन एक्स की रेंज होती है, साइन एक्स की रेंज वो इनवर्स की क्या हो जाएगी, उससे उल्टा है डोमेन हो जाएगी, तो इसकी डोमेन क्या होगी माइनस वन से वन। जो साइन एक्स की रेंज होगी वो साइन इनवर्स एक्स की क्या होगी डोमेन होगी। मेन प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू थी, फिर अदर ब्रांचेस में पाई बाय टू से लेके थ्री पाई बाय टू, जब पूछेगा बोर्ड में या स्कूल में कोई भी लिखाना थ्री पाई बाय टू से लेके फाइव पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू से लेके सेवन पाई बाय टू, कितनी जितनी मांगेगा उतनी लिख लेना और सेवन पाई बाय टू एटसेट्रा जितनी मर्जी लिख लेना। फिर ग्राफ करने तो ग्राफ कर लो, साइन एक्स का ग्राफ चलता है इनपुट आउटपुट इनवर्स की उल्टी हो जाती है, साइन एक्स का ग्राफ पहले बना रहा फिर नीचे बनाऊंगा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये आएगा पाई बाय टू ये आएगा माइनस पाई बाय टू, एक बार बना देता हूं अगर आप होंगे करने वाले तो देख लेना ये आगे में। फिर अगर आपको क्या चाहिए ये साइन एक्स क्या है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ चाहिए तो उल्टा चल पड़ना, उल्टे का मतलब क्या हुआ जो डोमेन थी एक्स की वैल्यू रेंज में चलेगी, रेंज डोमेन में मतलब जो वाई पे होगा वो एक्स में आ गया, ये आ गया आपका वन ये आ गया वाई इक्वल टू माइनस वन, फिर ये आ गया पाई बाय टू ये आ गया माइनस पाई बाय टू, उल्टा चला गया मेरा मतलब वो पाई बाय टू पे कितना होता था पाई बाय टू पे एक्स को पाई बाय टू पुट कराओगे तो वाई कितना होता था वन, यहाँ पे क्या हो गया जो डोमेन थी वो रेंज में चलेगी रेंज डोमेन में आ गई तो वन पे कितना आएगा पाई बाय टू, माइनस वन पे कितना आएगा माइनस पाई बाय टू, तो कहते हैं उसका ग्राफ ये बन जाएगा वन पे कितना चला जाएगा पाई बाय टू, माइनस वन पे कितना जाएगा माइनस पाई बाय टू, जीरो पे जीरो जीरो पे जीरो ही रहेगा, ये ग्राफ इस तरह से चलता है के इस तरह से चला जाएगा। अगर आपको साइंस का ग्राफ आता है तो किसके लिए अपनी मेन ब्रांच के लिए, हम किसके लिए बना रहे हैं मेन ब्रांच के लिए, जो एक्स में वैल्यू थी वो कहाँ चलेगी वाई में, जो वाई में वैल्यू थी वन और माइनस वन वो कहाँ चलेगी हम कके एक्स में, तो अब एक्स की वैल्यू चेंज होगी एक्स क्या हो गया माइनस वन से वन और ये वाई की वैल्यू होगी पाई बाय टू से, ठीक है तो पाई बाय टू पे वन था देखो पाई बाय टू पे कितना था वन था तो वन पे कितना है कके पाई बाय टू। दूसरा है नहीं तो अगर नहीं समझ में आते तो ये अगर अदर ब्रांचेस समझ सकते तो याद कर लो। दूसरा है ग्राफ अब करने पड़ेंगे तभी और बनेंगे कॉस इनवर्स एक्स, तो डोमेन सेम माइनस वन से वन, जो कॉस एक्स की रेंज वो कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यूज याद करो जीरो से पाई क्लोज, क्लोज का मतलब सबको पता है इंक्लूडेड, पाई से टू पाई से थ्री पाई, माइनस पाई से जीरो जितने मर्जी बना लो, मेन ब्रांच पॉजिटिव वाली बाकी जो मर्जी बना लो। अब किसका लेना हमने कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस एक्स का तो ग्राफ में रब करना पड़ता है, ये रब कर रहा हूं ये बनता है नहीं तो बुक में से देखना बुक में दिए होंगे आपके पास। तो सबसे पहले बनाता हूँ कॉस एक्स का ग्राफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स का, कहां से कहां तक जीरो से पाई तक, जीरो से वन में पाई बाय टू है पाई है, तो कितना आएगा ये इस तरह से चलता है सोचो। अगर अब मुझे किसका बनाना है कके कॉस इनवर्स एक्स का बनाना है तो इधर बना रहा हूं तो ये आ गया वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स का, तो किसका ले जाएगा जो एक्स पे चल रही थी वैल्यू जीरो पाई बाय टू पाई वो वाई पे चलेंगी जीरो पाई बाय टू पाई, कहां से कहां तक जाऊंगा वन से माइनस वन तक, तो इधर क्या चलेगा कके वन इधर क्या चलेगा कके माइनस वन, सोचो जीरो पे कितना दिया हुआ था जीरो पे वन, जीरो पे कितना दिया था वन तो इसमें भी कितना आएगा सोचो जीरो पे कितना आएगा वन, पाई बाय टू पे कितना है जीरो तो पाई बाय टू पे कितना आएगा जीरो, पाई पे कितना आएगा सोचो पाई पे देखो पाई पे कितना आएगा माइनस वन, पाई पे कितना ही है माइनस वन, जीरो पे वन पाई पे जीरो और
पाई पे 2 पे 0 और पाई पे कितना है माइनस 1, माइनस 1 पे कितना हो जाएगा कि पाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सोचना, इसकी वैल्यू इस तरह से ग्राफ इस तरह से मिल जाएगा। ये कितनी वैल्यू आ गई है सोचो, 1, फिर 0 पे पाई बाय 2, पाई पे कितना होगा माइनस 1। या जब आप इंडिविजुअल आओगे तुम इसे तब ग्राफ को पढ़ लेना, तब मेरे पास ग्राफ पढ़ लेना। 1 आ गया, पाई बाय 2 पे 0, पाई पे कितना आ गया माइनस 1 आ गया, पाई पे कितना आ गया माइनस 1 आ गया। प्रिंसिपल वैल्यूज 0 से पाई, अदर ब्रांचेस पाई से पाई 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, माइनस पाई से 0। तीसरा है कॉट इनवर्स x है, सॉरी टैन इनवर्स x है। तीसरा है आज से इतनी बात को ग्राफ में समझ आते हैं तो ठीक है, नहीं आएंगे तो प्रिंसिपल याद रखनी है माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। मेन प्रिंसिपल ब्रांच ये जरूर याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा काम इस पे है। प्लस 2 के अंदर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल, आप सबको पता है इसका मतलब, क्यों ओपन इंटरवल में बात करते हैं, क्योंकि tan ऑफ पाई बाय 2 कितना होता है सोचो, इनफिनिटी। इनफिनिटी पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता था। ग्राफ याद करो, एसिम्प्टोट बनते थे, किसको याद हो भी दोबारा बनाऊंगा, तो इसलिए ये नहीं लेते थे, ये नहीं आते थे। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्रिंसिपल वैल्यूज में क्या लेंगे, तो आपके पास माइनस पाई बाय 2 ओपन। अदर ब्रांचेस में क्या चलेगा सोचो, अदर ब्रांचेस में, अदर ब्रांचेस आ जाएंगे ओपन इंटरवल, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, जितनी मर्जी बनाते रहो, जितनी मर्जी जितनी पूछेगा उतनी लिख सकते हो। माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 ओपन इंटरवल। tan x का ग्राफ याद हो सोचो, tan x का ग्राफ, तो tan x का ग्राफ इस तरह से चलता था, क्या बोला ये पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई बाय 2 है, तो ये कहता है यहाँ पे एसिम्प्टोट होते थे, अगर आपको याद हो, दीज आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स, जिस पे कर्व इनफिनिटी पे मिलती थी। ये किसका ग्राफ है, tan x का। अब मुझे इनवर्स का बनाना है, जो x पे जाएगा वही किस पे चला जाएगा, करके y पे जाएगा, जो x पे जाएगा वो y पे जाएगा। तो कहता है वाई पे जाने के लिए क्या कराओगे, इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये रहा 0, ये रहा पाई बाय 2, ये रहा माइनस पाई बाय 2, यहाँ पे बनेगा एसिम्प्टोट। अब क्यों बना, जो पहले x के पैरल में बन रहे थे, मतलब ये x एक्सिस में बन रहे थे y एक्सिस के पैरल, अब उल्टे हो गए x के पैरल हो गए। 0 पे कितना होता है 0, 0 पे कितना है 0, पाई बाय 2 पे कितना है इन्फिनिटी, तो पाई बाय 2 पे कितना जाएगा इन्फिनिटी, माइनस पाई बाय 2 पे क्या जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ये इसके क्या बन जाएंगे एसिम्प्टोट, जिन्होंने पढ़ा उनको समझ है एसिम्प्टोट हम किसको बोलते थे। तो ये किसका ग्राफ है tan x का, ये किसका ग्राफ है tan इनवर्स x का। जिन्होंने प्लस 1 में tan sin याद ही नहीं रखे हुए, ऐसी गलतियां की हुई हैं, तो फिर आप ग्राफ को भी रहने दो, आप मेन काम ये याद कर लो, ग्राफ देख के याद आते हैं तो ये होता है इसके इनवर्स का। एक बार तो मैं करा दूंगा, एक बार तो मैं ग्राफ को करा दूंगा, फिर उसके बाद आपको देखना है किस तरह से आपको उसमें चलना है, समझ रहे हो कि किस तरह से हम उसको रखेंगे। अगला है, ये आ गया tan, ये आ गया tan इनवर्स x का, ये tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो पूछना इंडिविजुअल, जब आओगे फेस टू फेस तब पूछ लेना, अभी नोट कर लो या रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएंगे एक बार दोबारा देख लेना। चौथा है cot इनवर्स x है, पर उसको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ पता होने चाहिए, तभी तो ये सीख पाएगा। सीखने वाले अगर मेहनत रखनी है तो जरूर रखो। डोमेन जो कॉट की रेंज होती है माइनस इनफिनिटी, मतलब और रियल, माइनस इनफिनिटी का मतलब और रियल। इसका क्या होता है प्रिंसिपल, 0 से पाई ओपन इंटरवल, ओपन का मतलब इंक्लूड नहीं होगा, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, जितनी मर्जी अपने आप लिखते रहना एटसेट्रा, जितना आपने लिखना है लिख लो। फिर इसका ग्राफ, तो ग्राफ पहले मुझे किसका बनाना पड़ेगा, कॉट का ग्राफ बनाना पड़ेगा, cot x का। तो cot x का ग्राफ किसको याद हो तो tan जैसे ही बनता था सांप के बच्चे, 0 से पाई, ये एसिम्प्टोट है उसका, तो पाई पे क्या पाई बाय 2, ये किसका ग्राफ बना रहा हूं cot x का ग्राफ, y इक्वल टू cot x का ग्राफ। तो cot x के ग्राफ में कैसे जाते थे, 0 पे क्या होता है सोचो, 0 पे क्या चलते हो इनफिनिटी होता है cot x के ग्राफ, 0 पे क्या चलते थे इनफिनिटी होता था अगर याद हो, तो पाई बाय 2 पे क्या होता है 0, पाई पे क्या होता है माइनस इनफिनिटी, तो ये चलता है 0 पे,
पाई बाय टू पे, पाई पे ये एक्स की वैल्यू। अब इनवर्स का बनाना तो उल्टा बना दो, इनवर्स में क्या बनाओगे सोचो, उल्टा चला जाएगा। क्या मतलब, जो पहले वाई पे जाता है एक्स पे और जो एक्स पे जाता है वाई पे, जीरो और क्या है पाई बाय टू और क्या है पाई। सोचो अजिमटोट क्या हो जाएंगे, तो पाई हो जाता है, जैसे ये देखो पाई में लगा, देखो ये पाई में, दूसरा क्या हो जाएगा जीरो। जीरो पे क्या ध्यान से देखो, जीरो पे प्लस का इंफिनिटी, पाई बाय टू जीरो, पाई पे माइनस का इंफिनिटी, नीचे जाएगा तो ग्राफ पाई पे नीचे जाएगा। तो जीरो पे क्या है अगर आप ध्यान से देखो, जीरो पे इंफिनिटी है, पाई पे कितना जा रहा है नीचे की तरफ, माइनस इंफिनिटी जा रहा है। अगर देखो पाई पे कितना जा रहा है, माइनस इंफिनिटी, जिसको आता हो पर ही आना चाहिए। तो इसमें क्या जीरो पे क्या जाएगा इंफिनिटी, पाई पे क्या आ जाएगा माइनस इंफिनिटी। यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, कहाँ से ग्राफ शुरू करोगे, कहते हैं यहाँ से ग्राफ शुरू करोगे, तो कैसे चलाओगे सोचो जरा, कहते हैं यहाँ से इंफिनिटी है इंफिनिटी, तो यहाँ से ग्राफ चलाएंगे सोचो, और कैसे जाओगे सोचो जरा। जीरो पे कितना लोगे, जीरो पे पाई बाय टू पे देखो जीरो है, तो जीरो पे कितना लोगे पाई बाय टू, जीरो पे कितना लोगे पाई बाय टू, तो कितना जाएगा सोचना। तो ये इस तरह से आएगा, माइनस इंफिनिटी आएगा पाई पे माइनस इंफिनिटी, कितना इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से जाता है, यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, ये चलोगे फिर ये चलोगे। क्या मतलब समझ रहे हो, क्या इंफिनिटी पे क्या है, जीरो पे क्या है इन्फिनिटी, देखो जीरो पे क्या आ रहा है इन्फिनिटी, फिर पाई बाय टू पे जीरो और पाई पे क्या आ रहा है माइनस इन्फिनिटी। तो ये इस तरह से ग्राफ है, एक इसका ग्राफ है, एक बार नोट कर लो, फिर मैंने बोला फेस टू फेस आओगे या फिर आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेना। तो कॉड इनवर्स एक्स आ गया आपके पास। तीसरा है कॉड टेन इनवर्स एक्स, उसका ग्राफ करा दिया। चौथा है कॉड इनवर्स एक्स, उसका ग्राफ है, ग्राफ नहीं आता तो प्रिंसिपल वैल्यूज याद रखनी है। अगला है सीकेंट इनवर्स एक्स, इनको फोन करूंगा। फिफ्थ है क्यों कर रहे, कॉर्ड इनवर्स एक्स के बाद क्या बनाओगे, सीकेंट इनवर्स एक्स। डोमेन, डोमेन याद है उसकी जो रेंज होती है वो इसकी डोमेन होती है माइनस इन से माइनस वन, और अगर याद हो और वन से लेके इन्फिनिटी तक, किसी को याद है कटोरिया बनती थी जो समझाई थी, तो मेन प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी इसकी, जीरो से पाई एक्सेप्ट पाई बाय टू। एक्सेप्ट क्यों करते हैं, पाई बाय टू को क्यों छोड़ देंगे, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट पाई बाय टू। क्यों पाई बाय टू को छोड़ोगे, क्योंकि अगर आपको याद हो, बिकॉज अगर सीकेंट किसी को पाई बाय टू याद हो अपने टाइम में, तो क्या होगा वन बाय कॉस पाई बाय टू, कॉस 90 कितना होता है जीरो, वन बाय जीरो क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए पाई बाय टू निकालना जरूरी। अगला इंटरवल कितना आएगा, पाई से लेके टू पाई तक एक्सेप्ट थ्री पाई बाय टू, टू पाई से लेके थ्री पाई तक एक्सेप्ट फाइव पाई बाय टू एटसेट्रा, जितने मर्जी बना। सर माइनस पाई से जीरो ले लेंगे, काके ले लिया अपने आप, अब तो समझ जा माइनस पाई बाय टू, ये निकाल। ग्राफ, ग्राफ याद करो, सीकेंट का ग्राफ क्या होता था, कटोरिया बनती थी, तो सीकेंट का ग्राफ फिर मैं इन्वर्स कर रहा था। इन्वर्स में थोड़ी दिक्कत रहे किसी को, क्योंकि तो इन्वर्स पहली बार कर रही हो, तो ये सोचना है जो साइन एक्स की डोमेन है इनपुट वो इन्वर्स की रेंज है, जो साइन एक्स की रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन है, इसलिए ग्राफ उल्टे बन रहे हैं। उल्टे बनने का मतलब समझ रहे हो, जो अब देखो सीकेंट एक्स में जो एक्स एक्सिस पे बनेगा ये देखो ऐसे बनता सीकेंट एक्स का ग्राफ, अगर पूरा किसी को याद हो तो सीकेंट एक्स का ऐसे होता था, कटोरिया याद करो फिर ऐसे बनती थी। तो जीरो पाई बाय टू, पाई पाई बाय टू क्या है इसका एसिम्प्टोट है, ये क्या आएगा वन, ये क्या आएगा माइनस वन। तो क्या आता है इसका ग्राफ, अगर किसी को ग्राफ याद हो, अभी याद है कि नहीं ये तो तुम सोचो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ मैंने बता रखे हैं प्लस वन में भी, और नहीं तो आप किसी भी लेक्चर में देखो तो ये आएगा, ये इसका एसिम्प्टोट है, तो ये ऐसे बनता है, ये सीखने से ग्राफ। फिर अगला क्या जाएगा आपके पास, माइनस वन पे होता है अजिमटोट पे खत्म, तो अजिमटोट पे शुरू होता था, अगर आप भूले नहीं होते तो अजिमटोट यहाँ पे क्या होता था, क्या है ये, क्या होता है sigmax, ये किसकी वैल्यू है y की, ये किसकी वैल्यू है y की, अब ये किसकी वैल्यू है x की। अब जब इनवर्स का बनाऊंगा तो उल्टा चला जाएगा, जब इनवर्स का बनाऊंगा तो उल्टा चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा अब आपके पास y equal to secant x, secant x अगर आप क्या आएगा वन से इन्फिनिटी और माइनस वन से क्या चला जाएगा माइनस इंफिनिटी। चलिए
तो अब आपके पास इसका इन्वर्स का ग्राफ है। नहीं समझ आते तो एक बार मैं ग्राफ बनवा देता हूँ। मैंने प्लस वन से आपको एक बात कही है, एक बार बनवा जरूर देंगे, धीरे 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 जब बनवाऊंगा नहीं तो कभी सीखोगे नहीं। तो y इक्वल टू क्या आएगा, sec इनवर्स x, जो x पे थी वो y पे बना दो, क्या क्या बनाओगे, 0 पाई बाय 2 पाई, और जो y पे थी वो x पे बना दो 1, और क्या आ गया माइनस 1, ये किसकी आ गई y की वैल्यू। एजिम्प्टोट किस पे आएगा, पाई बाय 2 पे बना दो, एजिम्प्टोट आ गया। 1 से लेके कहां तक जा रहे हो, इंफिनिटी तक, तो 1 से लेके कहां तक जाओगे, इंफिनिटी तक, ये क्या आ गया, क्या है 0 से पाई बाय 2 में, 1 से लेके कहां तक जा रहे हो, इंफिनिटी तक, तो 0 से पाई बाय 2 में 1 से लेके कहां तक जाओगे, इंफिनिटी तक। एजिम्प्टोट पे खत्म हुआ था, किसी को याद हो तो एजिम्प्टोट से शुरू, एजिम्प्टोट से शुरू, तो कितना बनाओगे सोचना जरा, पाई पे देखो कितना है, पाई पे ध्यान देखो, पाई पे -1, तो पाई पे कितना आएगा सोचो, पाई पे -1 आएगा, तो कहां पे आएगा सोचना, तो करके ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से ये -1, पाई पे कितना आएगा -1, मतलब 0 पे 1, देख लो आराम से, 0 x 0 y 1, तो 0 पे कितना आएगा, 0 पे 1 आएगा, देखो 0 पे 1 आएगा, पाई पे 2 पे कितना आएगा, इंफिनिटी, तो पाई पे 2 पे कितना आएगा, इंफिनिटी, तो कितना आएगा -1, -1 किस पे आएगा, -1 सोचो, -1 किस पे आएगा, पाई पे, तो मैंने भी यहीं पे लिया, पाई पे कितना लिया -1, ये देखो एजिम्प्टोट पे खत्म हुआ, एजिम्प्टोट से शुरू हुआ, सोचना ये पूरा एजिम्प्टोट है, ये पूरा इसका क्या है, एजिम्प्टोट। अब नॉलेज ना हो तो फिर उसके लिए तो रुकना ही है, 1 से लेके इंफिनिटी, 1 से लेके इंफिनिटी, -1 से लेके -इंफिनिटी वही है, -1 से लेके -इंफिनिटी। अब लास्ट है ये सेकंड वर्स x का, अब लास्ट है सिक्स्थ है, कोसेकेंट इनवर्स x है, इसकी डोमेन वही होती है जो कोसेकेंट x की, माइनस जो कोसेकेंट x की रेंज वो इसकी डोमेन, माइनस से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी। प्रिंसिपल वैल्यूज, इसकी प्रिंसिपल्स क्या होंगी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज्ड एक्सेप्ट 0, बिकॉज रीजन वही है, क्यों, अगर मैं कोसेकेंट 0 को पढ़ूं तो 1 by sin 0, 1 by 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, निकालनी पड़ेगी। अदर ब्रांचेस पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 एक्सेप्ट पाई, 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2 एक्सेप्ट 2 पाई, या ग्राफ, तो ग्राफ के लिए कोसेकेंट इसका याद करो, माइनस पाई से पाई बाय 2 में ग्राफ क्या चलता है, देखो जरा हमारे पास कोसेकेंट x का ग्राफ, फिर मैंने बोला है ग्राफ जिनको नहीं आता वो एक ऑप्शन है कि ग्राफ आप करना चाहते हो कि नहीं, वो आप देखो एक बार करा देता हूँ जरूर, फिर आप पूरे साल में जब जब भी आओगे इंडिविजुअली पूछोगे तो मैं बता दूंगा, ये रहा 0, ये रहा पाई बाय 2, ये रहा माइनस पाई बाय 2, तो कितना लेना है, माइनस पाई से पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0 है, ये देखिए ये आ गया 1, ये आ गया -1, तो कितना आएगा, पाई बाय 2 पे 1 होता है, इस तरह से ग्राफ बनता है इसका, अगर आपको याद हो ये 1 होता है, पाई बाय 2 पे 1 है, एजिम्प्टोट पे खत्म हुआ है, गैप है, एजिम्प्टोट से शुरू होगा, इस तरह से चलता है इसमें ग्राफ, अगर आपको याद है तो ठीक है, तो एक पूरी कटोरी बन गई थी, अगर आपको याद है पूरी कटोरी बनेगी, पर मैंने तो मेन ब्रांच का बनाना है, माइनस पाई से पाई बाय 2, इधर भी पूरी कटोरी बनती है अगर आपको याद हो, ये पूरा ऐसे होता है, ये इसका क्या है, एजिम्प्टोट, एजिम्प्टोट से शुरू, एजिम्प्टोट पे खत्म, यहां तक बनता है, ये किसका ग्राफ बना रहा हूं, कोसेकेंट x का, इनवर्स का नहीं बना रहा, नीचे बना रहा हूं कोसेकेंट इनवर्स x का, जो x की वैल्यू y पे चली जाएंगी और जो y की वैल्यू वो x पे आ जाएंगी, देख लो अगर बन जाए तो, नहीं बन जाए तो एक बार रिकॉर्डिंग लेक्चर को 2-3 बार सुन लेना, तो उसमें थोड़ा सा समझ जल्दी आ जाएगा, 1-2 बार इस लेक्चर को सुनना, शायद फिर पता चल जाए कैसे बन रहे, 1-2 समझ आ जाएंगे तो निकल जाए गाड़ी, नहीं आएगा तो मेरे से कभी पूछ लेना। 0 है, कितना जाएगा x पे 1, और कितना जाएगा x पे -1, y पे कितना जाता है पाई बाय 2, y पे कितना जाता है -पाई बाय 2, एजिम्प्टोट कहाँ है सोचो, एजिम्प्टोट इसके कहाँ है, ये रहा 0, ये इसका क्या बनेगा, एजिम्प्टोट, अगर आप सोचने वाले तो सोचो, जब पाई बाय 2 पुट करा रहे तो कितना आ रहा है x को पाई बाय 2, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 पे कितना आएगा, पाई बाय 2 आएगा, सोचो जब आपने x को पाई बाय 2 पुट कराया y कितना आया 1, तो इसमें उल्टा सोचो, जब x को 1 कराओगे तो y कितना आएगा, पाई बाय 2,
जीरो पे कितना आ रहा है, जीरो पे इन्फिनिटी, तो ये रहा जीरो पे, देखो इन्फिनिटी, यहाँ पे गैप आ गया, असिम्प्टोट पे खत्म हो गया। अब सोचो माइनस वन कहाँ पे है, माइनस वन कहाँ पे, माइनस पाई बाय टू पे, तो माइनस वन पे कितना है, माइनस पाई बाय टू, ये आएगा। सोचो माइनस पाई बाय टू पे कितना दिया हुआ है, सोचो माइनस पाई बाय टू पे बताओ, माइनस का वन, तो वही तो कह रहा है। अब x की माइनस पाई बाय टू पे y कितना दिया हुआ है, माइनस वन, तो y की माइनस पाई बाय टू पे x कितना होगा, माइनस वन, असिम्प्टोट पे खत्म, असिम्प्टोट पे शुरू, तो ये ना था। ये इसका क्या आ गया, फिर भी काफी दिक्कत आती है तो मैं रिकॉर्ड लेक्चर भेज दूंगा। फिर भी आप जो मेन बात है जो कल के लेक्चर के लिए हमें चाहिए या नेक्स्ट लेक्चर के लिए चाहिए वो बात याद रखना, क्या बोला, प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स क्या आएंगी, माइनस पाई से पाई बाय टू एक्सेप्ट जीरो, ये जरूर याद रखनी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अब मैं, आपने जो मुझसे पूछना है तो इसके लिए आज अभी इतना ही पढ़ना है, इसलिए मैंने ग्राफ भी थोड़े से बता दिए।